आज हम पढ़ेंगे इज एम आर का यूज कैसे करते हैं। पहले हम जानेंगे कि इज का क्या अर्थ होता है। इज का अर्थ होता है, एम का अर्थ होता है हूं, आर का अर्थ होता है हैं। अब हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर का यूज कैसे करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब हमारे पास है इज एम आर से रिलेटेड कुछ रूल्स। पहला रूल है हमारे पास एम का प्रयोग आई के साथ किया जाता है। इसका मतलब है आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। आई का अर्थ होता है मैं, एम का अर्थ होता है हूं। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। हम पढ़ेंगे आई एम। हमारे पास अगला रूल है इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। अब हम जानेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ही, सी, दिस, दैट, राम, इट, इन सभी के साथ इज का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। अगला रूल है हमारे पास आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। वी, यू, दे, दोज, माई फ्रेंड्स, इन सभी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे इज एम आर का प्रयोग कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है यह हमारा घर है। यह हमारा घर है, इसके लिए हमें सर्वप्रथम सब्जेक्ट ढूंढना होगा। सब्जेक्ट है इसमें यह। यह के लिए इंग्लिश में लिखेंगे दिस। पहले हमने ढूंढा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें यह। यह क्या है दिस। इसके बाद लिखेंगे हम इज एम आर का प्रयोग। दिस के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है। हमने अब लिखा दिस इज, उसके बाद हमारा घर, इसे इंग्लिश में लिखेंगे आवर हाउस। यह हमारा घर है, इसे इंग्लिश में लिखते हैं दिस इज आवर हाउस। यहां पर दिस के साथ इज का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है हमारे पास मैं एक लड़का हूं। मैं एक लड़का हूं, पहले हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसमें सब्जेक्ट है मैं। मैं के लिए इंग्लिश में बोलते हैं आई। आई क्या है सब्जेक्ट है। आई के साथ हमें से क्या लगाते हैं एम। अब लिखेंगे हम आई एम एक लड़का, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ए बॉय। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है हमारे पास तुम मूर्ख हो। इसे इंग्लिश में लिखने के लिए पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है इसमें तुम। तुम के लिए इंग्लिश में बोलते हैं यू। यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है, यू आर। तुम मूर्ख हो, मूर्ख के लिए इंग्लिश में बोलते हैं फूल। यू आर ए फूल, तुम मूर्ख हो। अगला सेंटेंस है हमारे पास ये मेरी किताबें हैं। ये मेरी किताबें हैं, इसका इंग्लिश बनाने के लिए पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है ये। ये के लिए इंग्लिश बोलते हैं दीज। उसके बाद लगाते हैं दीज के साथ हमेशा लगाते हैं आर। दीज या दोज के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। दीज के साथ किया गया आर। उसके बाद है मेरी किताबें, इसे इंग्लिश में लिखेंगे माई बुक्स। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। अगला सेंटेंस है हमारे पास वह एक चोर है। वह एक चोर है, इसमें ढूंढेंगे हम पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें वह। वह के लिए इंग्लिश में लिखते हैं ही। ही के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हमने ही के साथ इज का प्रयोग किया गया है। और फिर लिखते हैं हम ही इज एक चोर, इसे इंग्लिश में लिखें ए थीफ। ही इज ए थीफ, वह एक चोर है। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब। आपको ध्यान रखना है इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का अर्थ होता है नहीं। अब हम जानेंगे इस फॉर्मूले का प्रयोग इन एग्जांपल्स में कैसे किया जाता है। लेट्स सी एंड लर्न। पहला एग्जांपल है हमारे पास
वह मेरा मित्र नहीं है, वह मेरा मित्र नहीं है। पहले हम देखेंगे यह सेंटेंस नेगेटिव है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां पे लिखा गया है नॉट, इसका मतलब है यह नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हम इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करेंगे। अब हम इस सेंटेंस में जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट है वह, वह के लिए इंग्लिश में लिखते हैं ही, उसके बाद लगाएंगे हम इज, ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं, नहीं के लिए लिखते हैं नॉट, ही इज नॉट क्या है मेरा मित्र, वह मेरा मित्र नहीं है, माई फ्रेंड, ही इज नॉट माई फ्रेंड। अगला सेंटेंस है हमारे पास, वे खुश नहीं है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे के लिए इंग्लिश में लिखते हैं दे के बाद आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट, दे आर नॉट। अब लिखेंगे हम हैप्पी, हैप्पी का अर्थ होता है खुश, वे खुश नहीं है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे दे आर नॉट हैप्पी। अगला सेंटेंस है हमारे पास, हम छात्र नहीं है, हम छात्र नहीं है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हम के लिए लिखते हैं इंग्लिश में वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं, वी आर, उसके बाद हमने नॉट लगाया, नॉट के बाद लिखा स्टूडेंट्स, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, हम छात्र नहीं है। इस सेंटेंस में हमने लगाया वी के बाद आर, आर के बाद नॉट। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, मैं खिलाड़ी नहीं हूं, मैं खिलाड़ी नहीं हूं। इसमें सब्जेक्ट है मैं के लिए इंग्लिश में बोलते हैं आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, एम के बाद हमने लिखा नॉट, आई एम नॉट क्या नहीं है खिलाड़ी, इसे इंग्लिश में कहें अ प्लेयर, आई एम नॉट ए प्लेयर, मैं खिलाड़ी नहीं हूं। अगला सेंटेंस है हमारे पास, अमन मेरा भाई नहीं है, अमन मेरा भाई नहीं है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है अमन, अमन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ लगाएंगे हम इज के बाद लगाएंगे हम नॉट, अमन इज नॉट मेरा भाई को इंग्लिश में लिखते हैं माई ब्रदर, अमन इज नॉट माई ब्रदर। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब। इसका मतलब हुआ सब्जेक्ट से पहले हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे, इसमें सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम इस फॉर्मूले को कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है, क्या वह खिलाड़ी है, क्या वह खिलाड़ी है। इस सेंटेंस में देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है वह के लिए इंग्लिश में लिखते हैं ही से पहले हमने लगाया इज, क्योंकि ही के साथ इज आता है वह सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही से पहले लगाएंगे हम इज ही ए प्लेयर, इसका मतलब है क्या वह खिलाड़ी है। अगला सेंटेंस है हमारे पास, क्या मैं खुश हूं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए इंग्लिश में लिखते हैं आई से पहले लगाएंगे हम एम आई हैप्पी क्या मैं खुश हूं। अगला सेंटेंस है हमारे पास, क्या मैं अध्यापक हूं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई से पहले लगाएंगे हम एम आई ए टीचर क्या मैं अध्यापक हूं। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, क्या यह मेरी पेन है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यह के लिए इंग्लिश में लिखते हैं दिस से पहले लगाया हमने इज, इज दिस मेरी पेन के लिए इंग्लिश में लिखते हैं माई पेन, इज दिस माई पेन, इसे इंग्लिश में कहेंगे क्या यह मेरी पेन है। अब हमारे पास अगला सेंटेंस है, क्या वे मेरे दोस्त हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे को इंग्लिश में लिखते हैं दे से पहले हमने लगाया आर, क्योंकि दे के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, जो आर आता है दे के साथ वो हम दे से पहले लगाते हैं, इसीलिए हमने आर दे लिखा है, आर दे माय फ्रेंड्स। आज हमने जाना कि इज एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।